अगला लिखा है कि आ ब्लॉक ऑफ आइस, अ ब्लॉक ऑफ आइस विद मास एम फॉल्स इनटू द लेक आफ्टर इंपैक्ट द मास ऑफ आइस एम बाई फोर. अ ब्लॉक ऑफ आइस विद मास एम फॉल्स इनटू अ लेक आफ्टर इंपैक्ट अ मास ऑफ आइस एम बाई फाइव मेल्ट्स. ठीक है, कह रहा है कि बोथ द ब्लॉक ऑफ आइस एंड द लेक हैव द सेम टेम्परेचर 0 degree सेल्सियस. इफ एल रिप्रेजेंट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द मिनिमम डिस्टेंस द आइस फेल बिफोर स्ट्राइकिंग द सर्फेस. द मिनिमम डिस्टेंस एल, द मिनिमम डिस्टेंस आइस फेल बिफोर स्ट्राइकिंग द सर्फेस. ठीक है, नहीं सोचें. तो अब यहाँ पे देखिए, सीधे सीधे आप क्या करेंगे कि अब m बाई फाइव जो है वो मेल्ट हो गई. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितना उससे पहले मिनिमम डिस्टेंस कितनी चला होगा. ठीक है, तो ये किसके बराबर कर दो, आप एम जी एच के बराबर कर दो. ठीक है, m से m कैंसिल हो गया तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l बाई फाइव जी. ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस. ठीक है, l बाई फाइव जी. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.